हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो काफी मजेदार होगा। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सो ये मेरा साल का आखिरी वीडियो है, 2022 के साथ आखिरी वीडियो है, जिससे उसके बाद 2023 में लेट्स हैव फन एंड काफी सारे नए वीडियोस आएंगे। तब तक वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, यह है माल बाजार में स्थित हनुमान मंदिर। सो गाइस, हमने हनुमान मंदिर जाते वक्त काफी सारी मछली भी इधर उधर। सो ये रही मंदिर, ये काफी ब्यूटीफुल मंदिर है। एंड लेट्स सी आगे क्या। सो फाइनली गाइस, हम लोग अपना डेस्टिनेशन आ चुके हैं। एंड ये है वो डेस्टिनेशन, काफ़ी सुंदर सी टेम्पल है एंड अच्छी भी दिख रही है सामने से। तो फ्रंट व्यू गाइस कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा रहा। एंड ये माल बाजार में है मंदिर। सो यहाँ पे टाइम हम दिया हुआ है, कितने बजे से खुला है एंड कितने बजे से बंद हो जाएगा। काफी बाहर से तो काफी बेहतरीन डिजाइन दिख रहे हैं ये। एंड लेट्स सी अंदर से क्या होता है, वो तो अभी 10 मिनट के बाद ही पता चलेगा जब गेट खुलेगा। सो तब तक आप बाहर का ये देख लीजिए जितना भी है। एंड ये है अनुराग, इन्हीं की वजह से इनका ही प्लान था जो कि आज हम लोग यहाँ तक आए हैं। सो ऑल थैंक्स टू अनुराग एंड इनको फॉलो जरूर करिएगा इंस्टाग्राम में, काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट डालते हैं। एंड ये जहाँ जहाँ प्लेस पे जाते हैं, जैसे सिलीगुड़ी में कहीं पे भी, तो बेहतरीन प्लेस के बारे में इनको ज़्यादा जानकारी है। तो गाइस प्लीज़ है ना, इन्हें फॉलो करिएगा एंड आप मेरा वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा। फाइनली गाइस गेट खुल रहा है एंड ये कुछ ऐसा है गेट को। सो है गाइस, मंदिर का ऊपर मतलब भीतर जाने का कोई अलाउ नहीं है मोबाइल लेके। सो गाइस, मैं मुझे लगता है कि ये एकदम सही बात है और हमें इसको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इस मंदिर के भीतर की जो मेन है वो दिखा देंगे तो आप लोग की जाने की जो इच्छा होगी वो खत्म हो जाएगी। सो आई विश गाइस आप लोग जाके देखिए, ये मंदिर काफी मजेदार है, काफी ब्यूटीफुल है भीतर से और भी मजेदार है। एंड आई होप गाइस आप सभी को ये मंदिर सबसे अच्छे लगने वाली है। एंड ये माल बाजार में है सिलीगुड़ी के काफ़ी नज़दीक। सो जो भी सिलीगुड़ी से है वो लोग इस मंदिर को एक बार जरूर विजिट करें एंड काफ़ी सुंदर मंदिर है, इसकी तारीफ मैं जुबान से नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ये मंदिर जरूर इस साल के लिए पहला मतलब विजिट बना के रखिएगा। सो
डर लग रहा है गाइस, फोन हाथ से निकल रहा था। तो अभी हम लोग ने पॉइंट फेंक दिया है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड हम लोग नहीं चाहते हैं कि ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा बना है, तो हम लोग यहाँ से फटाफट निकलते हैं, कहीं और जाना है और कहीं और का मज़ेदार व्यूज दिखाना है आप सभी को। तो हर वक्त ये टाइम नहीं मिल पाता हम लोगों को, बट आप लोग के साथ जो भी मिल रहा है छोटा सा टाइम, बस यही है शेयर करने का। तो गाइस अभी है ना अनुराग यहाँ पे पॉइंट फेंकने वाला है, कहता है कि काफ़ी अच्छा रहता है ये एक्सपीरियंस। चलिए पॉइंट फेंकते फेंकते आपको भी दिखाएंगे हम कैसा है एक्सपीरियंस। सो गाइस फेंक दिया इसने, कोई तो दिखा नहीं मुझे, खोजने जाना पड़ेगा लग रहा है। इस साइड का ये पहाड़ है, ये रहा नदी कोरोनेशन ब्रिज के सीधा सामने से अच्छी व्यू है। एंड शायद मेरा कैमरा उतना खास नहीं है, जो कि मैं आपको बेहतरीन क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूँ, बट आप लोग देख सकते हैं व्यू थोड़ा सा जूमिंग। तेरे भाई का फोटो नहीं तो तेरे भाई का व्यू